टी20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से यूएई की धरती पर खेला जाएगा। इस अहम आईसीसी टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हो सकता है। हार्दिक पंड्या की जगह किसी और खिलाड़ी को मौका देने की तैयारी चल रही है। चेतन शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में से किसी एक तेज गेंदबाज को शामिल करने पर चर्चा कर सकती है, क्योंकि ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजी ही नहीं की। हार्दिक पंड्या की गेंदबाजी को लेकर सस्पेंस के बीच बीसीसीआई के पास टीमें बदलाव करने के लिए अभी और 5 दिनों का वक्त है। आईसीसी ने सुपर 12 ग्रुप में शामिल टीमों के लिए अंतिम 15 में बदलाव के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया है। पहले चरण में भाग लेने वाली टीमों के लिए बदलाव की समय सीमा 10 अक्टूबर की मध्य रात्रि थी। 2 साल पहले पीठ में स्ट्रेच फ्रैक्चर का शिकार होने वाले हार्दिक पंड्या ने सर्जरी के वापसी के बाद ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है। यह देखना होगा कि वर्ल्ड कप में वो गेंदबाजी करेंगे या सिर्फ बल्लेबाजी पर ही ध्यान देंगे। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा है कि भारत की 15 सदस्यों की मुख्य टीम में कम से कम एक तेज गेंदबाज की कमी है। हमारे पास शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर जैसे अनुभवी विकल्प हैं। शार्दुल खुद को गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में साबित कर चुके हैं, जबकि दीपक चहर ने श्रीलंका में अपनी बल्लेबाजी के कौशल का भी प्रदर्शन किया है। सूत्र ने बताया कि अगर हार्दिक पंड्या गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं तो समिति इन दोनों में से किसी एक को शामिल कर सकती है। चयनकर्ता ने हार्दिक के साथ साथ मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के नाम पर भी फिर से चर्चा कर सकते हैं, जिनके घुटने में परेशानी है। सूत्र ने कहा है कि अगर घुटने में परेशानी के कारण वरुण टीम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो उनका एक ही विकल्प दिखता है और वह है युजवेंद्र चहल। भारत के बायोबल में नेट बॉलर के तौर पर उमरान मलिक पहले से ही मौजूद है। देखना दिलचस्प होगा क्या शिवम मावी को नेट गेंदबाज के तौर पर रखा जाता है या नहीं। टीएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।